हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी लोग रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह की तैयारी करने लगे होंगे, लाइक जैसे गिफ्ट लेना, खिलौने लेना, न्यू कपड़े लेना और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते थे, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हमने भी सोचा कि चलो इस बार कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लिए जाएं जो अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स को दिए जाएंगे, क्योंकि जब भी वो राखी बांधती थी तो हम लोग क्या करते, इसके पहले नॉर्मली उनको पैसे दे देते थे राखी बांधने के बदले, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दोस्तों। तो मतलब अच्छा नहीं लगता यार कि जैसे बोलोगे तो उससे राखियाँ खरीदती हैं, फिर मिठाइयाँ लेती हैं और राखी बांधती हैं, तो हम क्या करते सीधे पैसे दे दिया और उससे छूट जाते हैं। बात तो सही है। तो इसलिए मैंने सोचा यार दोस्तों इस बार चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं, मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं गिफ्ट्स का। तो सबसे पहले हमने अपनी बड़ी दीदी के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए सोचा, जो हालांकि उनकी शादी हो चुकी है और अब वो मतलब नौगांव में रहती हैं। उनकी शादी एक मतलब पटवारी जिया जी हैं, उनसे भई है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वो पटवारी हैं, मतलब तो उनके पास किसी चीज़ की कमी तो होगी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसे में मैंने सोचा कि चलो यार क्या लिया जाए क्या लिया जाए, तो इसलिए उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना थोड़ा कठिन सा था दोस्तों। लेकिन मैंने मतलब सोचा कि यार कुछ तो लेना है। तो मैंने नोटिस किया कि मतलब जब भी मैं दीदी को देखता था तो वो कहीं भी जाएं, जैसे बड़े फंक्शन में, छोटे फंक्शन में, तो मतलब उनके पास हमेशा हैवी ज्वेलरी रहती थी पहनने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ मतलब ऐसा लेते हैं जो मतलब वो कहीं भी पहन के जा सके, मतलब छोटे फंक्शन में भी और नॉर्मली घर पे भी पहन सकें। तो मैंने उनके लिए इसके लिए मतलब पेंडेंट हो गया, जैसे नेकलेस या इयर रिंग, इस टाइप के कुछ लेने के लिए सोचा। तो दोस्तों मतलब मैंने जो उनके लिए गिफ्ट लिए थे वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पर रखे हुए हैं पहले से ही। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखा दें कि मैंने अपनी बड़ी सिस्टर्स के लिए क्या लिया है। रहा नहीं जा। दोस्तों आप लोग देख ही सकते होंगे कि मैंने अपने सिस्टर बड़ी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लिया है, इसकी पैकिंग तो अच्छी लग रही है। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा गिफ्ट रखा हुआ है। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों इसकी पैकिंग तो फिलहाल अच्छी खासी गई है। तो देखिए दोस्तों अब हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, तो अब हम दिखाते हैं आपको एक कैसा लग रहा है। दोस्तों ये तो हो गया हमारी बड़ी सिस्टर के लिए गिफ्ट, अब बात करते हैं अगले गिफ्ट की। तो दोस्तों जो अगला गिफ्ट है वो हमने लिया है अपनी बहुत ही पढ़ाकू सिस्टर के लिए लिया है। हाँ दोस्तों वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, तो हमने सोचा कि चलो यार उसको मतलब कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो उसको मतलब पढ़ाई में भी हेल्प करे और उसको अच्छा भी लगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने लिया है उसके लिए एक बेहद ही अच्छा बेस्ट बुक सेट लिया है दोस्तों। अच्छा ठीक है। तो जो बुक सेट है दोस्तों ये कोई नॉर्मल बुक सेट नहीं है, इसमें मतलब दोस्तों चार तरह की बुक्स मिलती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की बुक्स, नंबर की बुक्स, मैथ की बुक्स और बच्चों की जो फेवरेट बुक्स होती है दोस्तों वो है ड्राइंग की बुक्स। तो ये चार तरीके की बुक्स हैं जिसमें मतलब पहले से ही ड्राइंग वगैरह या कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मैथ का, अल्फ़ाबेट के, ABCD, ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, अपन को उसके ऊपर से जो लिखना पड़ता है। तो दोस्तों इन बुक्स में लिखने के लिए 8 से 10 रिफिल्स दी गई हैं और एक खाली पेन दिया गया है जिसमें इन रिफिल्स को डालकर अपन उस बुक्स पर लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो रिफिल्स हैं ये कोई नॉर्मल रिफिल नहीं है, इसकी खास बात ये है कि ये जिसे अपन लिखते हैं जब इन बुक्स में, तो 8 से 10 मिनट के बाद ही ये जो स्याही है इनकी अपने आप गायब हो जाती है दोस्तों। तो इससे अपन जो बुक्स हैं उसका फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है मेरे हिसाब से, मैंने लिया है
और दोस्तों अब ये दिखाता हूँ आपको कि ये गिफ्ट कौन सा है। दोस्तों आइए देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप ए टू जेड अल्फाबेट खत्म हो गए हैं। आप इसके बाद 1, 2, 3 आ गई है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। बॉडी पार्ट्स नेम भी दोस्तों कुछ दिए गए हैं, फैमिली नेम्स भी दिए फैमिली मेम्बर्स के, यहाँ पर कुछ पोएम्स भी हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैथ की बुक की। जो मैथ की बुक है दोस्तों उसके अंदर चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। तो इसके लिए दोस्तों देखिए काउंटिंग दी गई है, इसके लिए यहाँ पर ये ड्राइंग भी बनी हुई है, फ्रूट्स की टाइप टाइप के फ्रूट्स बनी हुई हैं, इसको बच्चा काउंट करके इसमें लिख सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बुक है, इसका यूज करके बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। यहाँ पर फन मैथ सीखा, फन फन में मैथ सीखेगा बच्चा। यहाँ पर एडिशन दिए गए हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन दिए गए हैं दोस्तों, और भी सब कुछ दिया गया है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली बुक्स की, जो है नंबर की बुक। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नंबर्स को किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लुक एंड रीड इस तरीके के इसमें दिए गए हैं, जिसको बच्चा काउंट करके लिख सकता है यहाँ पर सभी तरीके। और बहुत अच्छी बुक्स हैं दोस्तों, देखिए क्या क्या तो इसमें दिया गया। इन्हीं बुक्स की खास बात के कारण मैंने इनको लिया था। तो ये देखिए दोस्तों, इन बुक्स में लिखने के लिए एक पेन दिया गया है, कुछ रिफिल्स दी गई हैं। इन रिफिल्स को पेन में डालकर लिख सकते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये फिर दी गई है जिसको पेन में लगा कर बच्चा फन फन के साथ में सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले गिफ्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों अब इन सभी गिफ्ट के बाद जो हमने अपना अगला गिफ्ट लिया है, वो हमने लिया है अपने प्यारे भांजे के लिए। इस सबसे बेस्ट गिफ्ट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो भांजा है वो बहुत ही शैतान करता है, और उसको मतलब ये ऐसे नेचुरल वाले एनिमल्स के गिफ्ट बहुत पसंद है उसको। उसके पास रखे भी बहुत सारी गिफ्ट हैं, तो हमने इसलिए ये उसके लिए बहुत ही यूनिक गिफ्ट बोलेंगे जो लिया है उसके लिए। तो आप लोग देख सकते होंगे ये जो गिफ्ट है वो एक डायनासोर का है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक डायनासोर का गिफ्ट है। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं इस गिफ्ट में क्या है ऐसा खास। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे कि ये डायनासोर जो है वो हमने अनबॉक्स कर लिया है, और आप देख सकते होंगे इसका लुक कितना प्यारा है। दोस्तों इस डायनासोर की खास बात ये है कि इसमें एक बटन लगा हुआ है, अगर अपन इसको बटन को चलाते हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है। इसमें एक साउंड निकलता है जो डायनासोर अपनी आवाज़ निकालेगा, और इसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले होगा, और ये दोस्तों अपने आप चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस डायनासोर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये डायनासोर की आवाज़ निकालता है, ये सॉन्ग भी प्ले करता है, और जब ये चलता है तो उसके रास्ते में जब कोई जैसे रुकावट आ जाती है तो यह अपना धीरे धीरे रास्ता बदल लेता है और दूसरे रास्ते पर चला जाता है। और तो दोस्तों आपको बता सकते हैं, आप बताइए कि ये आपको कैसा लगा है दोस्तों, और हमारे भांजे को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे रक्षाबंधन के सभी गिफ्ट्स।
अब आप बता सकते हैं दोस्तों इनमें से आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा है, और जो आपको अच्छा लगा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहूँगा, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में। और अगर आप तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, उस जो सफेद वाला बटन है उस पर चाहे खिलौना फेंक के मारो या गिफ्ट फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अरे मनोज चल जल्दी गाड़ी निकाल, जल्दी दी के यहाँ चलते हैं, नहीं तो ये क्लास की लड़कियाँ यहाँ भी रखने वाली आ जाएंगी।